हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन का इंटरनेट स्लो चलता है ना, तो सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के आपको ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ ना, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे आना है, नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी के नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहां पर भी आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को है ना रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।